हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही बर्निंग टॉपिक है और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत सारे समाचार पत्रों ने भी इस टॉपिक को पब्लिश किया है। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है 25 जून संविधान हत्या दिवस घोषित। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। अब प्रतिवर्ष जो है 25 जून को संविधान हत्या दिवस जो है ऑब्जर्व किया जाएगा। इसे मनाया नहीं जाएगा, इसे ऑब्जर्व किया जाएगा, क्योंकि यह एक सैड मोमेंट है। 25 जून को ही संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय केंद्र सरकार ने क्यों लिया? क्योंकि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी अर्थात आपातकाल लगा दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि इस निर्णय का उद्देश्य जो है वो उन लाखों भारतीयों को सम्मान देना है जिन्होंने आपातकाल के दौरान उत्पीड़न सहते हुए देश में लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष किया। अब देखिए 25 जून, अब ये इमरजेंसी जो थी वो देश में कब से कब तक के लिए लगी थी? तो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, अर्थात 21 माह तक देश में आपातकाल घोषित था। अर्थात देश में इमरजेंसी थी और इमरजेंसी में क्या था कि सिविल लिबर्टी सस्पेंड कर दी गई थी और तमाम नेताओं को जो है वो जेल में डाल दिया गया था। किसी भी व्यक्ति को सरकार की आलोचना करने का अधिकार खत्म कर दिया गया था। यदि कोई व्यक्ति सरकार की आलोचना करता था तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की थी। अर्थात भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। और किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की जाती है। प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अब हमें यहां याद रखने वाली दो चीजें हैं कि 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। और 25 जून को जो है वो संविधान हत्या दिवस ऑब्जर्व किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। अब हम इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगाई थी। तो 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रायबरेली के निर्वाचन को चुनौती दी गई थी। उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि इंदिरा गांधी के रायबरेली के जो निर्वाचन था उसको रद्द कर दिया था और उनके अगले 6 साल तक के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी से गुस्साई तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया था। अब इस टॉपिक से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देश में जो है संविधान हत्या दिवस किस तिथि को ऑब्जर्व किया जाएगा? तो हमारा उत्तर क्या होगा? 25 जून को। प्रतिवर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। देश में इमरजेंसी कितनी अवधि के लिए लगी थी? तो देश में इमरजेंसी जो है वो 21 माह की अवधि के लिए लगी थी। देश में इमरजेंसी के समय तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? तो देश में इमरजेंसी के समय तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और एक जीके एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रतियोगिता साहित्य की करंट अफेयर्स हिंदी मासिक पत्रिका का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।